अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? साइंस का यूनिट नंबर 6 हम स्टार्ट कर पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। पहले हमने इसके 2 लेक्चर्स लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी किया था कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और सेकेंड लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि लाइट कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेडो फॉर्मेशन। ठीक है, शेडो फॉर्मेशन में हमने स्टडी करना है कि किस तरह से शेडो बनता है, किस तरह से ऑब्जेक्ट का शेडो फॉर्म हो रहा है, और शेडो में कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं शेडो बनने के लिए। ठीक है, ये टॉपिक आपकी बुक पेज नंबर 73 पे है। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 73 ओपन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉपिक नंबर है 6.4। ठीक है, आपने बुक्स ओपन कर लेंगे। ओके, यहाँ पे भी जो सबसे फर्स्ट लाइन है उसमें राइट किया गया है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में भी हमने किया था, यही बात डिस्कस की थी, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, ट्रैवल किस में कर रही है? ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर लाइट के रास्ते में, ठीक है, ये अगर कोई लाइट है यहाँ पे पड़ी हुई, ठीक है, यहाँ पे जब लाइट आ रही होगी, अगर इसके दरमियान में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका शेडो यहाँ पे बनेगा। क्लियर है ये बात आपको? लाइट सोर्स के, लाइट जो आ रही है उसके स्ट्रेट लाइन के दरमियान अगर कोई रुकावट ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका शेडो हमेशा उसकी बिहाइंड बैक साइड पे बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लाइन, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया When an opaque object, ठीक है, opaque object आपको पता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? opaque object ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट नहीं गुजर सकती। ठीक है, अगर वो बीच में आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो उसका जो opaque object है उसी का shadow form हो जाता है। क्लियर है ये बात? और जो शेडो है हमेशा ऑब्जेक्ट की बैक साइड पे ही बनेगा, उसके साइड पे, इस साइड पे या इधर नहीं बनता। ये तब होगा जब सन पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, शेडो फॉर्मेशन में ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम शेडो की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो आप अपनी बुक पे देखें, शेडो इज़ आ रीजन ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मतलब है कि शेडो एक ऐसा रीजन होता है, डार्कनेस जो फॉर्म हो रही होती है वो बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही होती है। शेडो जो है उसका डार्कनेस सीन जो आ रहा है वो उसके ओपेक ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड पे, बैक साइड पे बन रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, कि कहाँ से वो उसके शेडो फॉर्म हो रहा है? फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट, कि लाइट किस साइड से आ रही है, लाइट की पोजीशन क्या है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके आगे डेफिनेशन में हम क्या राइट करेंगे? फेसिंग द सोर्स ऑफ
लाइट। ठीक है, ये शेडो की डेफिनेशन है। इसको आप एक दफा दोबारा से रीड करें मेरे साथ। शेडो इज अ रीजन ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हमने क्या चीजें डिस्कस करनी है, लोकेशन, ठीक है, साइज एंड शेप। ये तीनों चीजें हमने डिस्कस करनी है और ये तीनों चीजें जिस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं उसको डिस्कस करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, किस तरह से ये सब चीजें अफेक्ट होती हैं। द टाइप ऑफ द शेडो, अब जो शेडो की टाइप होती है हमेशा, जैसे ये ओपैक ऑब्जेक्ट है, अगर इसके यहाँ पे बिहाइंड एक ऑब्जेक्ट बन रहा है इस साइड पे, यहाँ पे बनेगा आपके ऑब्जेक्ट का शेडो फॉर्म हो रहा है। अब जो ये टाइप ऑफ शेडो जो है, ठीक है, कि जो साए की किस्म है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ लाइट सोर्स। सबसे पहले जो चीज़ आ रही है इधर वो क्या है कि लाइट सोर्स कैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है, और सेकेंड उसके ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट पोजीशन कि वो किस पोजीशन में पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो चीज़ आपके पास आ रही है वो कि लाइट सोर्स जो है आपके पास वो कितने अमाउंट में है, क्या उसकी रेशो आ रही है, क्या पॉइंट सोर्स है लाइट का। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा जो शेडो है वो डिपेंडेंट है। क्लियर है? अब देखिए मैं आपके सामने रीडिंग कर रही हूँ। द टाइप ऑफ द शेडो, अपनी बेटा बुक्स ओपन कर लें और बुक्स पे देखें, ठीक है। द टाइप ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द, अब जो टाइप ऑफ शेडो है वो सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, साइज ऑफ द लाइट सोर्स, मतलब साइज, लाइट सोर्स का साइज कितना होगा, उसकी शेप कैसी होगी, ठीक है, उसकी पोजीशन कैसी होनी है ऑब्जेक्ट की, और लाइट सोर्स जो आ रहा है उसकी क्या पोजीशन है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा जो शेडो फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि अगर लाइट सोर्स आपका अवे आ रहा है, मतलब लाइट सोर्स आपका अवे किस तरह से है कि लाइट जो है, अगर अब हम सन की एग्जांपल ले लें या आप अपने रूम लाइट ले लें, ठीक है, रूम लाइट की देखें आपके, अगर मेरे राइट साइड पे लाइट है तो उसका शेडो मैं एक ह्यूमन बॉडी जो आपकी है ये भी एक ओपैक ऑब्जेक्ट में आ रही है, ठीक है, आपका हमेशा साया बनता है, तो इट्स मीन कि ओपैक ऑब्जेक्ट है। आप अगर खड़े हैं तो आपका शेडो इस साइड पे मेरा फॉर्म होगा लाइट के, क्यों, क्योंकि मैं सेंटर में एज अ ओपैक ऑब्जेक्ट हूँ, लाइट सोर्स मेरे राइट साइड पे है और हमेशा शेडो जो है वो ओपैक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड होगा। क्लियर है? इसी तरह से आप अपनी बुक को भी कर सकते हैं, बुक को आप लाइट सोर्स जो आ रहा है उसके सेंटर में करें ऊपर, इसका जो शेडो है वो भी हमेशा बिहाइंड बनेगा, लेकिन पोजीशन किस तरह से लाइट सोर्स की चेंज है, लाइट की सोर्स की पोजीशन की वजह से कैसे शेडो जो है वो इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। जब आप लाइट सोर्स को कर रहे हैं, इसको अवे करेंगे मतलब दूर करने, या लाइट सोर्स के ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स के पास करने की वजह से भी साइज में शेडो के अफेक्ट होता है कि उसका साइज़ किस तरह का बनना है, क्या होगा, और उसकी पोजीशन वगैरह के ऊपर भी अफेक्ट करेगा। किस तरह से, इसको अब अभी हम आगे नेक्स्ट रीड कर रहे हैं। शेडो जो है वो हमेशा एक छोटे से पॉइंट से भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल साइज, और हमेशा जो शेडो की फॉर्मेशन होती है, जब शेडो एक बन जाता है तो उसकी एक शार्प आउटलाइन भी बनती है। जैसे ये आपके सामने ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक शार्प आउटलाइन बनी हुई है, वो देख के ऐसे ही लग रहा होता है जैसे किसी ने बिल्कुल उसको शार्पली उसको पॉइंट आउट किया हुआ है और वो आपका शेडो फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
तो लाइट सोर्स जो है, अब हम साइज़ की बात कर रहे हैं। पहले हमने लोकेशन डिस्कस कर ली कि लोकेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, कि साइज़ कितना है उसका, लाइट सोर्स जो आ रही है उसका साइज़, ऑब्जेक्ट का साइज़, शेप, ठीक है, उसकी पोजीशन, और ऑब्जेक्ट जो लाइट सोर्स है उसकी पोजीशन क्या है। क्लियर है ये बात? तो अब हमने ये चीज़ इसकी साइज़ को डिस्कस करना है कि साइज़ जो है वो कैसे डिपेंडेंट है शेडो के ऊपर। इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हैं आप कि साइज़ हमेशा डिपेंड होगा कि लाइट सोर्स से, ऑब्जेक्ट जब अवे होगा मतलब दूर होता है, ऑब्जेक्ट अगर लाइट सोर्स से दूर है, अवे है, तो शेडो हमेशा स्मॉल बनेगा। इसको मैं ब्लैक मार्कर से राइट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है। और अगर यही ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम क्लोज कर देंगे, लाइट सोर्स के क्लोज है अगर ये ऑब्जेक्ट, तो शेडो फॉर्मेशन जो है वो साइज में क्या होगी, बिगर। इस चीज़ को भी आप अपने अभी इसी वक्त ट्राई कर सकते हैं कि आपके हाथ में बुक है, उसको जो आपके लाइट सोर्स इस टाइम आपके रूम में जो भी है, ठीक है, उसके करीब लेके जाएं। ये सब बच्चों ने अभी करके देखना है, ठीक है। आप उसको लाइट सोर्स के करीब करें, इसका जो शेडो फॉर्म हो रहा होगा उसको आपने देखना है। पहले ऑब्जेक्ट को दूर से आपने करके ट्राई करके देखना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट को उसके लाइट सोर्स के करीब करके देखना है कि उसका शेडो बिगर बन रहा है या स्मॉल बन रहा है। चलें, अब आपके पास 2 मिनट्स हैं, इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जल्दी से करें और फिर मुझे आपने बताना है कि आप क्या ये बात सही है या नहीं। जी बेटा, तो आपने ऑब्जर्वेशन करके देखा है, रिजल्ट वही आया है कि साइज़ जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ किस तरह से होगा, अगर अवे है लाइट सोर्स से तो स्मॉल साइज़ बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है तो साइज़ इसका बड़ा बनेगा। अब जो थर्ड चीज़ हमने शेडो फॉर्मेशन में डिस्कस करनी है वो है कि शेप कैसी होती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो हमेशा लाइट सोर्स, जो ओपेक ऑब्जेक्ट है कोई भी है, उसकी शेप, शेडो की शेप जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करती है, ठीक है। रिजेंबल्स टू ऑब्जेक्ट किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वेयर शेप में बनाया, अगर यहाँ पे आप इसको कोई बॉल अगर रास्ते में रख दें, कोई बुक रख दें, ठीक है, चेयर आ रही है, यहाँ पे अगर कोई बॉल आ रही है शेडो, सॉरी लाइट सोर्स के रास्ते में, तो उसका साइज़, उसकी शेप इसके ऊपर डिपेंड करती है कि लाइट सोर्स के कितना करीब है या दूर है, लेकिन उसका जो शेप है, उसकी जो शेप है शेडो की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑब्जेक्ट के साथ। जैसा ऑब्जेक्ट होगा सेम एज इट इज़ ही हमेशा शेडो बनता है, ठीक है। जैसे कि आपके इस चीज़ को आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप चेयर देखें, आपके क्लासरूम में जो चेयर होती है अगर उसके ऊपर शेडो बनता है, चेयर्स का बनता है, आपका शेडो बन रहा होता है, टेबल का शेडो बनता है, ठीक है। उसके अलावा आप सन लाइट में अपने हैंड को करके देख लें, अपनी लाइट जो आपके रूम में इस टाइम लाइट सोर्स है उसके आगे आप अगर अपना हैंड करेंगे तो आपके हैंड का शेडो बन जाएगा। तो इट्स मीन कि शेप हमेशा वैसी होगी शेडो की जैसा कि ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि शेडो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट का बनेगा। एक दफ़ा हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। शेडो फॉर्मेशन आज हमने पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। शेडो की डेफिनेशन आपके सामने राइट की हुई है, इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें।
उसके बाद हमने लोकेशन देखी है कि लोकेशन किन बातों पे डिपेंडेंट है, साइज और शेप। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 1 लॉन्ग होगा। इसी शेडो फॉर्मेशन से रिलेटेड ही है। कुछ आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर का है वो करवाना है, और उसके बाद एक हमने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो बेटा अपनी नोटबुक्स निकाल लें और मेरे साथ साथ आपने वर्क करना है। बेटा रीडिंग आपके मैंने साथ साथ करवा दी थी आपको लेक्चर में, तो रीडिंग आपने एक दफ़ा खुद लाजमी कर लेनी है। अगर किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकती हैं। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आती हैं। तो आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे दिए। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। हमने लेक्चर नंबर 1 में साइंस का जब लिया था तब कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। ये शेडो फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इसी शेडो से रिलेटेड ही है कि किस तरह से शेडो जो है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, मैं राइट कर रही हूँ, आप देखें बुक पे 6.6 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है आपका। वाई आर द शेडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एस भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इन ओपन प्लेस फॉर्म्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आंसर है इसका ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने बात आपसे जो पूछी है कि ऑब्जेक्ट्स का जो शेडो फॉर्म होता है वो डिफरेंट क्यों होता है। ओपन प्लेसेस की बात करें, ओपन प्लेसेस मतलब बाहर की, ठीक है, रूम्स वगैरह की इसमें बात नहीं कर रहे, बाहर सनलाइट की इसमें बात आ रही है कि जो शेडो है बाहर के ऑब्जेक्ट्स में वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टाइम ऑफ द डे के वक्त दिन के मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ क्यों होता है, डिफरेंट क्यों होता है। तो इसका तो हमारे पास सिंपल सा आंसर बन सकता है, बनता है कि शेडो जो है इन ओपन प्लेसेस फॉर्म्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन एट द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द सन। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सन ज़मीन जो है सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो हमारे सन की पोजीशन अर्थ के ऊपर टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए अब आंसर रिक्वेस्ट की तरफ आते हैं। द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन ओपन प्लेस formed in different directions ठीक है, at different time of the day
ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द सन। क्लियर है? और उसके बाद आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू। सेम हमने जो आज टॉपिक डिस्कस किया है वही है कि शेडो फॉर्मेशन कैसे होती है और शेडो की पोजीशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, ठीक है, इसको भी राइट कर लें आप। व्हाट इज शेडो? ठीक है, डिस्क्राइब द लोकेशन साइज एंड शेप ऑफ द शैडो। आंसर, इसमें सबसे पहले उन्होंने शैडो का पूछा है, तो पहले हम शैडो की डेफिनेशन राइट करेंगे जो आपके सामने पहले भी मैंने डिस्कस की है। शैडो शैडो इज अ रीजन ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब जो बाकी का वर्क है वो मैं इस साइड पे कर रही हूँ, तो इस साइड से देख के अपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट कर लेना है। ठीक है, इसका आंसर वैसे चलें, अब हमने सबसे पहले लोकेशन राइट करनी है। लोकेशन हेडिंग दे लें लोकेशन की, आपको पता है कि हेडिंग आपने किसके साथ देनी है। और उसके बाद लोकेशन अब जो है वो किस तरह से डिपेंडेंट है, टाइप ऑफ द शैडो। डिपेंड्स on the size of the light source ठीक है, light source के ऊपर कर रही है। shape and size of the object and its position from the light source। अब इसके सेकेंड पॉइंट जो आपने राइट करना है वो उन्होंने क्या चीज़ पूछी है कि साइज कैसा होगा।
इसमें आप राइट करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम लाइट सोर्स द शेडो फॉर्म्ड स्मॉलर। और सेकेंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, सेम कि जब लाइट सोर्स जो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट क्लोजर मतलब करीब होगा टू द लाइट सोर्स द शेडो फॉर्म्ड बिगर। ठीक है, और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है शेप कैसी होनी है। तो शेप का आपको पता है कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, द शेडो रिजेंबल द ऑब्जेक्ट इन शेप, द शेडो रिजेंबल्स द ऑब्जेक्ट इन शेप। ठीक है बेटा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आपने अपनी डायरीज पे नोट कर लेना है और नोटबुक पे सॉरी राइट आपने कर लेना है, और डायरी में यहाँ पे राइट कर रही हूँ। जो डायरी है आपकी आज की यूनिट नंबर 6, हमने क्वेश्चन जो आज डिस्कस किए हैं क्लास में, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। तो राइट आपने मेरे साथ साथ कर लिया है, मैं लर्न की डायरी दे रही हूँ आपको। ठीक है, लर्न, अगर किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।